एक और अहम खबर से आगाह करते चले, ट्रांसपोर्ट बोर्ड लाहौर के मुलाजमीन की पेंशन के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने खलीफा मोहम्मद जहांगीर की दरख्वास्त पर समाअत की। ईओबीओ पेंशन ने बॉडी शॉप के मुलाजिम तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ये कहना है दरख्वास्त गुजार का। अहम खबर है जो आप तक पहुँचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बोर्ड लाहौर के मुलाजमीन की पेंशन के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने खलीफा मोहम्मद जहांगीर की दरख्वास्त पर यह समाअत की। ईओबीओ पेंशन ने बॉडी शॉप के मुलाजिम तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसी पर मजीद करेंगे, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है लाहौर रंग के नुमाइंदे उमर हयात। जी उमर हयात, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साजिद महमूद सेठी खलीफा मोहम्मद जहांगीर जो है उनकी दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया तरीके से, जिसमें लाहौर पंजाब हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को जो है वो फ्री बनाया गया। दरख्वास्तगार मोहम्मद जहांगीर के जो है उन्होंने अपनी पिटिशन में जो है मौका इख्तियार किया है कि ईओबीआई की जो पेंशन और दीगर जो बॉडी शॉप के दीगर मुलाजमीन हैं इनको ईओबीआई और दीगर जो पेंशन के मराहत हैं वो गवर्नमेंट जो है वो फराहम नहीं कर रही और उन्हें गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग कर दिया गया था। उन्होंने सदा की थी हमने तमाम सबूत जो है वो महकमे से वो फराहम कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें पेंशन और ईओबीआई की जो मराहत है जो रिटायरमेंट के बाद वाजिब अदा होती है वो नहीं दी जा रही। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और महकमा ट्रांसपोर्ट और ईओबीआई हुकाम को जो है वो हुक्म जारी करे कि वो उनके वाजबात जो है वो अदा करें। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए अपनी बहन को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल के लिए जो है जवाब तलब कर लिया। जी।